खबर है दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड स्टेडियम में 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से होना है। इस T20 मैच में कई सारे रिकॉर्ड बनने और टूटने वाले हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच जहां रनों की जंग छिड़ी हुई है, वहीं युजवेंद्र चहल भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हैं। हैदराबाद में शुक्रवार 6 दिसंबर को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुई मुकाबला हाई स्कोरिंग था। इस मैच में 400 से ज़्यादा रन बने, जिसमें भारतीय टीम ने बाजी मारी। विराट कोहली ने अकेले दम पर मैच का रुख बदल दिया। ऐसे में एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच शानदार एनकाउंटर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है कि कई सारे रिकॉर्ड जरूर टूट सकते हैं, जिसमें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शामिल है। दोस्तों, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस मुकाबले में पहला छक्का लगाते ही भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। रोहित शर्मा अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 399 छक्के जड़ चुके हैं। इसके अलावा विराट कोहली भी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा से सिर्फ 3 रन पीछे हैं। ऐसे में विराट और रोहित के बीच रनों की जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने से सिर्फ एक कदम दूर है। चहल अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 52 विकेट झटक चुके हैं। युजवेंद्र चहल से पहले आर अश्विन ने भारत के लिए 52 विकेट चटकाए हैं। इस मामले में जसप्रीत बुमराह तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने अब तक 51 विकेट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम किए हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत अगर विकेट के पीछे 2 शिकार कर लेते हैं तो वे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन जाएंगे। पंत से पहले धोनी ने 5 खिलाड़ियों को बतौर विकेट कीपर शिकार बनाया था।